डियर स्टूडेंट्स well, आज हमें करना है जो की बुक वन से एसोसिएटेड है फिजिकल केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है उसके हवाले से डिस्कशन होगी लेट्स मूव टेस्ट और जानते हैं की आज के टेस्ट में कैसे क्वेश्चन है वेल डियर स्टूडेंट्स टेस्ट का आगाज करते हैं ए प्लस सीरीज का टेस्ट वन हमारे टेस्ट सेशन का पहला टेस्ट जो कि बुक वन फिजिकल केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है टेस्ट आप अपने सामने देख सकते हैं मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 स्टेटमेंट है द कंबशन एनालिसिस ऑफ द वेड अमाउंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 60% कार्बन ओके उसने उसमें एनालिसिस जिसे हम ली भी कहते हैं जिसमें हम इम्पेरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन करते हैं उन तमाम कम्पाउंड की जो के बर्न किए जा सकते हैं हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं परसेंटेजेस हमें बता रहा है कि कार्बन 60 परसेंट है हाइड्रोजन 8 परसेंट है और ऑक्सीजन 32 परसेंट है और वो पूछता है कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा बहुत सिंपल एनालिसिस बट आई हैव इट फॉर यू पीपल सी ऑन द व्हाइट बोर्ड

आपके पास एक वैल्यू आ जाती है जो कि आपके सामने है अच्छा अगर तो ये फ्रैक्शन में आए तो फिर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम होल में नंबर और अगर ऑलरेडी होल नंबर में आया है तो एज इट इज आई एम प्लेस इट बिहाइंड दिस इज बिहाइंडल फार्मूला जो कि बड़ा सिंपल और क्लियर है आपके सामने है और आप इस डिस्कशन uh, के बाद एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर की जो ऑप्शन है दैट इज एल्फा ऑप्शन वेरी सिंपल एंड क्लियर जो कि आपके सामने सॉल्व की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू मदर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू में एक टेबल दिया गया है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली फॉर द मोल यू नो वट इज मोल चाहे एक एटम हो चाहे एक मॉलिक्यूल हो चाहे फॉर्मूला यूनिट हो चाहे एक आयन हो इन सबके मैसेस को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज वन मोल ऑफ दैट स्पीशी वट एवर इट इज क्लियर है तो मैं टेबल में देखता हूं कि तमाम मोल्स की सही वैल्यू में गलत कौन सी है सो so, अगर मैं अल्फा ऑप्शन देखता हूं तो सप्शन में कहते हैं एलिमेंट ग्राम एटम यस एटमोल वन मोल हम ग्राम एटम भी बोलते हैं वन मोल ऑफ एटम भी बोलते हैं हाइड्रोजन की मिसाल दी है बिल्कुल सही उसका मैथ बिल्कुल ठीक है बीट ऑप्शन देखते हैं बीट ऑप्शन में कहते हैं मोलाक्यूलर कंपाउंड उसने दिया ग्राम मॉलिक्यूल होगा वन ग्राम मॉलिक्यूल यस उसके बाद एस टू एटीन ग्राम बिल्कुल ठीक है हम जानते हैं इट्स वेरी सिंपल एंड द कॉमन थिंग आयनिक स्पीशीज की बात कर रहा है ग्राम आयन यस उसके वन मोल को वन ग्राम आयन भी कहते हैं और OH 16 17 का होगा बड़ी क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसने यही पूछा था कि बताएं कौन सी ऑप्शन गलत है सो चार्ली इज माई आंसर अगर मैं डेल्टा देखता हूं आईने कंपाउंड में तो बिल्कुल सही मैथ दिया गया है सो चार्ली ऑप्शन इज माई आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी

उसकी वैल्यू बता दी जो जो उसने इन्फॉर्मेशन दी 27 डिग्री सेल्सियस दिया था मैंने उसे कैलवन में कन्वर्ट करना होता है यू नो बेटर 273 सेवेंटी में एड कर दूंगा तो 300 आ जाएगा सो दिस इज द स्टेटमेंट इसको जब मैं सॉर्ट आउट करता हूं सोल्व करता हूं तो वेरी सिंपल आई एम गेटिंग द आंसर पॉइंट मीटर क्यूब वॉल्यूम अच्छा इसको मैं पॉइंट जीरो एट मीटर क्यू भी लिख सकता टू मीटर क्यू भी लिख सकता हूं क्योंकि उसने ऐसी ऑप्शन दी है इसलिए प्रेजेंट किया गया so, सॉल्व करने के बाद सॉल्व इट इजीली एंड एमडी स्टूडेंट नो नीड टू कंफ्यूज सी ऑन द व्हाइट बोर्ड बड़ी सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कैलकुलेटर तो यूज नहीं करना आप सिंपली मल्टीप्लाई करते थ्री को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे वेरी सिंपल मेथड एमडी कैट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो डेफिनेटली बड़ी सिंपल कैलकुलेशन होती हैं आप आसानी से कर सकते हैं सो दैट्स आंसरिंग कि मेरे पास जो आंसर आता है आप लोगों के सामने स्टेटमेंट के मुताबिक नंबर फिफ्टी आंसर वेरी सिंपल एंड क्लियर यू हैव टू ऑफ द वॉटर गिवन वॉल्यूम ठीक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन दे दिए अच्छा हैज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वॉटर ठीक है अच्छा उसने एक क्वेश्चन किया इसे मैंने सॉल्व किया वेरी सिंपल माइडियर स्टूडेंट सी द व्हाइट बोर्ड

अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव है ए प्लस सीरीज का टेस्ट वन चल रहा है, 55. Equation, है. ये जो हमने को और मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस फैक्टर ए फैक्टर बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इन सारी बातों को जेहन में रखिएगा उसकी बेसिस पे क्वेश्चन है अच्छा उसने मुझे कहा रिप्रेजेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन बी किस को रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होता ये वो वॉल्यूम होता है जिसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं जब कहती है ना के एम डी जो कि थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम इज निगलिजिबल इट इज नॉट निगलिजिबल इट इज कंसीडर्ड, और इसको कंसीडर करते हैं तो वो वॉल्यूम हम एक्सक्लूड कर रहे होते हैं

Four times होता है, so, जारी बात है? है, ठीक बात आप कभी भी कितना compress कर कर लें, आप एक खास level से ज़्यादा तो को नहीं कर सकते, आपके पास spaces बच जाती हैं, उसके ऊपर भले जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर दें, फिर उसके बाद गैस yes, उतने डिस्टेंस से आगे मॉलिक्यूल्स को तो नहीं आने देगी और वो डिस्टेंस की वजह से उसका जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स

Uh, solution is, well my dear students, so I have solved a very simple thing on the whiteboard This is in front of you, question number 56 we have formula I, read, I have revising the formulas we have read for you we have a simple formula Number of moles dissolved in the per decimeter cube 1 decimeter cube of the solution, have the solution in molarity Then I have opened the number of moles, I, I had given mass over molar mass, okay. मल्टीप्लाई बाईर द थाउजेंड ठीक है सेंटीमीटर क्यूब या वन डेसीमी सेंटीमीटर क्यूब या वन डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पे लेक्चर्स में भी मैंने बात की थी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको कोई गिवन वॉल्यूम दे दिया जाए तो उस फैक्टर को जब हम इसके नीचे अप्लाई करेंगे तो थाउजेंड अबाव पे आ जाता है और जो भी गिवन वॉल्यूम है वो नीचे आ जाता है सो so, इस फार्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ मैंने मोलारिटी फाइंड आउट करनी है उसने मुझे गिवन मैथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का दे रही है, मैंने दिया मैंने सिंपल प्लेस कर दिया मोलर मुझे पता है उसने मुझे गिवन वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब कहा है तो मैंने उसको 1000 जब 250 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा इसके 1000 आप इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे सॉल्व करेंगे यू आर गेटिंग द वेरी सिंपल आंसर दैट इज 0.04 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब बाय बाय्लाइन दिस फार्मूला वन थिंग मोर माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे आपने मोलारिटी फाइंड आउट करनी थी कर ली अगर आपको गिवन फाइंड आउट करना हो बाकी फैक्टर्स दे दिए आप कर सकते हैं अगर आपको मोलर फाइंड आउट करना हो बाकी फैक्टर्स दे दिए आप कर सकते हैं तो ये तमाम फैक्टर्स को रिलेट करेंगे आप इस फॉर्मुले को प्रैक्टिकली जब यूज करेंगे ना सिर्फ मोलारिटी बल्कि अगर बाकी इंफॉर्मेशन मौजूद हो कोई एक चीज पूछी हो बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो आप गिवन मैथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं मोलर मैथ्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं राइट नो अभी मैंने मोलारिटी फाइंड आउट करनी थी हाइड्रोक्साइड अगर पॉइंट फाइव सिक्सोल्व किया जाए

जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर गैसेस का कंसीडर करते हैं तो वहां पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब स्टैंडर्ड वॉल्यूम है सो so, चार्ली फार्मूला भी ठीक है अगर मैं डेल्टा देखता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स मास मल्टीप्लाई द वॉल्यूम ऑफ द सेंटीमीटर क्यूब की गलती है डेल्टा इज इनकरेक्ट भाई हम डेसीमीटर क्यूब में बात करें 22.414 डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में बात में करते है, है? Mem, नहीं करते ठीक है स्टैंडर्ड में हम सेंटीमीटर क्यूब नहीं यूज करते डेसीमीटर क्यूब वन डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू वन लीटर ये तमाम बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए सो so, इस कॉन्सेप्ट को जेन में रखिए, माइनर से मिस्टेक है बट मिस्टेक है व्हेन यू आर आंसर इन दिगेट क्वेश्चन यू मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विजिलेंट एंड क्लियर अबाउट यूर आंसर सो डेल्टा इज इन ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट स्टूडेंट्स कहता है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आइडियल एंड आइडियल गैसे हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हाईलाइट करना है एल्फा में कहता है इट गैस लॉस अंडर ऑल आइडियल गैस ठीक है इट डॉट गैस लॉस बिकॉज देर फॉर द आइडियल गैसेज एक सर्टन लेवल आता है वो डेविएट कर जाते हैं सही कह रहे हैं बीटा में कहते हैं इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड ओ नॉन आइडियल गैसेस तो लिखा होती है ठीक है चार्ली में कहता है टू बेस द जनरल गैस इक्वेशन टू बेस द वन डर वाल्स इक्वेशन जिसकी अभी बात की बिल्कुल ठीक है डेल्टा में कहता है इट बिहेव्स आइडियल एट लो टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर मैं रिवाइज करता हूं जब टेम्परेचर लो करेंगे ओके तो क्या होगा करीब आएंगे।, आएंगे तो, जाएंगी। या तो, मैं प्रेशर करूंगा, तो गैस के करीब आएंगे भी सामने आएगा, और भी सामने आएगा, एक तो यह स्टेटमेंट गलत है वो उसने इन्वर्ट्स कर दिया दोनों को सो डेल्टा ऑप्शन इज इनकरेक्ट उसने जो रियल गैस का फिनोमना है उसको आइडियल गैस में प्लेस कर दिया इस वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारे पास be real gas high temperature or low pressure per ideal behavior PR or could be ideal gas low temperature and high pressure per real behavior PR, clear So, delta is incorrect. Okay. Next question number 59, the amount of the solute dissolved in the fixed amount of the solvent of the solution is called the TK concentration of the solution which of the following method

स्ट्रॉगेस्ट फिजिकल फोर्सेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा एंड वीकर फिजिकल फोर्स विंडोवाल फोर्सेज मैंने तीन तरह की पढ़ाई थी मैं रिवाइज कह रहा हूं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए पहली डायपोल डायपोल फोर्सेज हां स्ट्रगर होती है फिर तो दूसरी एक नॉनपोलर एक पोलर मालिकोल इंड्यूस्ड डायपोल जिस हम डिबाई फोर्सिस कहते हैं हाँ और दो नॉन पोलर मालिक्यूल के कहते हैं जितनी ज्यादा है है। तरफ आता हूं उसने कहा मुझे बताओ तरतीब से बताओ कि स्ट्रेंथ के एतबार से इनको किस तरह अरेंज किया जाता है सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर सबसे स्ट्रॉन्ग फिजिकल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है अभी बोला था फिर डायपोल डायपोल है और फिर सबसे वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है क्योंकि लर्डन डिस्पर्शन फोर्सेस जो ऐसे मालिक्यूल्स के दरमियान है जो नॉन पोलर है और डायपोल डायपोल अभी बोला पोलैरिटी तो है ना अट्रैक्शन होगी और हाइड्रोजन बॉन्ड तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है फ्लोरिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ कनेक्शन की वजह से बनती है इसके अलावा कोई एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता आपको यहाँ पे भी याद होना चाहिए कि आपने ट्रिक आउट नहीं होना एच सी एल के दरमियान जो इंटरमोलैकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज जिस फोर्स जिसे हम कीसम भी कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इन एच थ्री एच टू और एच एफ में होता है एच सी एल इज अंट लाइन केस उसमें डायपोल डायपोल फोर्स होती है ठीक है ये याद रखना नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने पेपर आपके सामने आप देख सकते हैं

तो हमारे पास फिर मोलैकुलर फार्मूला आएगा ना? सो माय डियर स्टूडेंट्स चार्ली ऑप्शन पता होना चाहिए इसके साथ साथ जो फेस, वेपर फेस से मैस पता होना चाहिए हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं मोलैकुलर फार्मूला पता नहीं होता हम इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं मोलर मास के जरिए फिर निकालते हैं फिर वहां से मोलैकुलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं So, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था यह मैं ऑप्शन बड़े ध्यान से आंसर करने इनकरेक्ट सी और डेल्टा की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कहते कंसिडर दुकी नंबर वन स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहते हैं द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस कैमिकल इक्वेजन यील्ड बिल्कुल ठीक है

ये नंबर फोर स्टेटमेंट में रखिएगा ये इनकरेक्ट है कहता क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट सो चार्ली ऑप्शन इज माई आंसर स्टेटमेंट वन टू एंड थ्री आर करेक्ट नंबर फोर इनकरेक्ट है और वो मैंने गलती बता दी है वो नॉन आइडियल बोल रहा है आइडियल वैल्यूज को जेहन में रखना होता so, है हमने सो दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन पॉइंट चार्ली ऑप्शन इज माई आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री की बात करते हैं All of the following statements are matched correctly okay, for the Boyle's law and the Charles law except okay, the except, negative which doesn't match The table is informative question You have to keep all these points in your mind They are helpful They are in fact the revision of your concept Got it? So that's why I am explaining in front of you alpha it is said that P is equal to K Okay, Boyle's law is talking about Charles law We have the correct expression V over T is equal to K And K depends upon the mass, temperature and the nature of the gas

हाँ कॉन्स्टेंट रखते हैं ठीक कह रहे है और इसमें चार्ल्स नाम में भी स्टेटमेंट ठीक है डेल्टा ऑप्शन देखते हैं ग्राफ, देखने में आपको ये लग है। ग्राफ तो सही बनाया गया ना गलती क्या है फोकस ऑन वर्ड डेल्टा ऑप्शन पे देखें तमाम चीजें दिखने में सही है एक वर्ड उसने कहा है आयसो आई बार आईसो मीन सेम बार मीन क्या बॉयल्स लॉ में प्रेशर सेम रहता है नहीं सर वही तो वेरिएबल है उसी को तो चेंज करते हैं तो आइसो बार कहना को गलत है वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है इट और सेम तो चार्ल्स में तो टेम्परेचर ही तो चेंज कर रहे हैं आप लोग सो इसको के, रिवर्स कर गया गलत कह रहा है सो डेल्टा ऑप्शन इज माई आंसर ये गलत है कितना खूबसूरत सवाल है इन आपने इन चीजों को जहन में रखना आपने बड़ा टेक्निकली हर चीज को देखना ताकि आप आंसर कर सकें आईसो बार मीन कॉन्सटेंट प्रेशर एंडलाइसो मीन Constant temperature and in the Charles law, you are changing temperature, you are studying the relationship between temperature and the volume. So that's why this statement is wrong just because of this simple word. You have to answer it So that you can answer it perfectly. Delta is my answer, which is incorrect statement. Clear? Question number 64 Which statement about the 100 gram of the calcium, hydrogen, helium, and NOH in terms of the moles is incorrect?

इससे मैंने आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड आउट किया है students, 65. मैंने कभी भी ऐसे सवालों का जवाब होना फौरी तौर पर लिखें उसके स्टैंडर्ड्स मैच कर दें फिर आपसे वो कुछ भी पूछ ले मैथ मैथ रिलेशनशिप पूछ ले मैथ मोल रिलेशनशिप पूछ ले मैथ वॉल्यूम रिलेशनशिप पूछ ले वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ भी पूछ ले

ये दिखने में एक कॉम्प्लिकेटेड चीज लगती थी बट दिस इज वेरी सिंपल हाउ सिंपली यू कैन आंसर दैट इफ यू विल एस्टैब्लिश अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद ऑल ऑफ द स्टैंडर्ड मैसेस द वॉल्यूम्स टू ठीक है तो आप आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर डबल सिक्स ऑन द कंबस्टन एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बनता है ली बैग्स मेथड जानते हैं ना आपको कंबस्टन एनालिसिस को ली बैग्स मेथड भी कहते हैं कार्बन डाइक्साइड एड होती है वो एक कार्बन डाइ मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइडी नेचर है कार्बन डाइऑक्साइड एसिडी के नेचर है वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है तो दो एमसीक्यून रिलेटेड

कहता है ए में के कॉलम ए में कहते हैं आइस हाँ कॉलम भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है आइस का वॉल्यूम नाइन परसेंट ज्यादा हो जाता है उसकी डेंसिटी नाइन परसेंट कम हो जाती है वो फ्लोट करती है ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बड़ा कॉमन सा रिलेशन है उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कुछ मैंने रिवाइज करी बाकी आपको पता हो के होना चाहिए कि

ये पोलर मालिक्यूल नहीं है तो ये सॉलिड कार्बन आइस की बात कर करती तो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं है। तो बीटा इनकरेक्ट है मैं बाकी भी पढ़ देता हूँ चाली कहता है डायमंड में हा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड इसमें कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क होता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बिल्कुल सही कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड आयन सॉलिड है आइसोट्रोपी क्या होती है एन आइसोट्रोपी क्या होती है क्लीवेस्ट प्लेन क्रिस्टाइन सोलिड की प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए ठीक है अब उसने क्वेश्चन किया बताओ कौन सा क्रिस्टन सॉलिड नहीं है एल्फा में कहता है ग्लास ये मेरा आंसर है पॉपुलर क्वेश्चन अंडर कूल लिक्विड सुपर कूल लिक्विड एमफस सॉलिड विट्रिय सिलिका या स्यूडो सॉलिड ग्लास को ही तो कहते हैं ये तमाम नाम ग्लास के थे जो मैंने बोले हैं बड़े अहम so, है सो ये ये मॉर्फस सॉलिड है क्रिस्टलाइन नहीं होता इसमें क्रिस्नालिटी नहीं होती बाकी मैं देखता हूँ हाँ आयोडीन सॉलिड सॉलिडर सॉलिड है क्रिस्टलाइन शेप है सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड है क्रिस्टलाइन है

This is the value given mass over molar mass multiplied by Avogadro number multiplied by the number of hydrogen atoms because hydrogen atoms to find out hydrogen carbon can ask, oxygen can ask, nitrogen can ask. Clear? I will pattern mein answer, jo wo ka, main answer So four a gaya. You are going to get that 6.02 times power 23 15 by 4 and 4 is being cancelled by the 4. You are being left with only Avogadro number, which answer. Leerah. Very simple. You can calculate. You have to practice it for your MDK paper. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटर्मिन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय पॉपुलर क्वेश्चन हम कंबस्टन एनालिसिस से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं ठीक है और जब एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोकार्बन में या जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़े कार्बोहाइड्रेट जिसमें बर्न करें उसमें ऑक्सीजन अगर आप दो की परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं जैसे मैंने लेक्चर में भी बताया था तो आप हंड्रेड में से फिर तीसरी को समअप करके माइनस करके डिफरेंशियल से निकालते हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज द डिफरेंस चार्ली ऑप्शन है बट फॉर यू पीपल ये जो उसने फोर और टा ऑप्शन लिखी है ना एंड डुमा ये किसके एस्टिमेशन के लिए यूज होते हैं डियर स्टूडेंट्स ये नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज होते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन चूंकि नाम आए हैं

by using the value of the avogadro constant k calculate the total number of atoms in the 7.1 gram of chlorine element beautiful question usne chlorine atom ki baat ki hai chlorine molecule ki baat nahi ki ye words bahut maane rakhte hain आपने एम डी कैड की स्टेटमेंट्स में इनको फोकस करना होता है कि एटम्स की बात कर रहा है मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है

Without applying this formula, I can also calculate the mass of anything which is being asked. Mass, mass relationship, mole, mass relationship, you can I can answer it. So, this formula, you you can go for that. So, the answer is the alpha option, very simple and clear. Next question, pe question number 73. covalent solids? Covalent solids have all of the following properties except, revision the covalent solids properties?

अगर ये स्टेटमेंट होती ना दे आर नॉन वोलेटाइल एंड हार्ड फुल स्टॉप तो ये ठीक थी अब उसने एंड डक्टाइल कहा है तो ये गलत हो आपने एक वर्ड भी तो पढ़ लेता ठीक uh, है सो बीटो ऑप्शन इज माय आंसर जो कि इनकरेक्ट है बाकी सारी स्टेटमेंट्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 स्टूडेंट्स द

सिंपली और अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे एकदम इतनी ज्यादा एनर्जी देने के मटीरियल आपके सॉलिड से डायरेक्टली फॉर्म में चला जाए तो दैट विल बी द मोर एनर्जी ना सो अगर आप इस प्रायोरिटी को अपने में रखेंगे तो सब्लिमेशन की सबसे ज्यादा होगी फिर वेपराइजेशन की होगी और फिर फ्यूजन यानी मेल्टिंग की होगी सो so इन पॉइंट्स को अगर में रखें अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर वेरी सिंपल जो मैंने वर्ड्स बोले हैं एग्जैक्टली अल्फा इज द आंसर वेरी सिंपल एंड क्लियर क्वेश्चन नंबर 75 है All of the following factors affect vapor pressure of a liquid. vapor pressure is be points as the pressure exerted by the vapors of the same liquid in the closed container. Except the nature of liquid. Nature liquid is liquid vapor pressure. Vapor pressure is inversely proportional to the boiling point. So let the boiling there. वॉल्यूम आप पानी को चाहे एक बहुत बड़े टब में ले लें बीकर ले, में ले लें उसका ले, तो रहेगा। एटमोस्फेरिक प्रेशर चेंज करेगा तो फिर चेंज होगा ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर इज नॉट ऑफ द लिक्विड टेकन इज माय आंसर बाकी देख लेते हैं इंटरमैकुलर फोर्सेस हाँ करती हैं

The unit cell in which the particles are not only present at the corners, but are also present on the faces is called face-centered cubical shape. Face-centered. Just sodium chloride, faces be corners bhi hota hai. got it. So, Charlie option is my answer very simple. Without wasting your time, next question to chalte. question number 78. Chemical equation have all of the following limitations except limitations, matlab batati. Iske

चार्ली कैन बी रिटर्न है लिमिटेशन है ना दे डू नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन दिस इज लिमिटेशन ये प्रॉपर्टी नहीं है अब अगर बीटा की बात करते हैं तो बीटा इज अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो ठीक है सो बीटा इज माय आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 गिवन मैसा जी पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व करता है 20 ग्राम ऑफ वाटर में अच्छा देन द परसेंटेज बाय वेट बाय वेट ऑफ द के सी इज बड़ा सादा सा सवाल है आप बेहतर जानते हैं लेकिन फिर भी मैंने रिवीजन के लिए से व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के लिए सॉल्व किया सी ऑन द व्हाइट बोर्ड क्वेश्चन नंबर 79 सिंपल हम जानते हैं जब वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है तो हम मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन दोनों का सम ऑफ सॉल्यूशन का मास कंसीडर करेंगे उसने मुझे 20 ग्राम सॉल्वेंट का मास दिया है और 5 ग्राम सॉल्यूट का मास दिया है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 25 हो जाएगा ना सॉल्यूशन का मास जी तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 द आंसर इज 20% वेरी सिंपल एंड क्लियर ऑप्शन वेरी सिंपल सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर क्वेश्चन नंबर 80 है

क्योंकि गलत कह रहा है सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन नंबर एटी वन है नाइन ग्राम आइस पॉइंट फाइव मोल ऑफ एच टू ओ की बात कर रहे हैं नाइन ग्राम आइस आइस वाटर ही होता है ना तो एटीन ग्राम उसका मैस होता है तो नाइन हाफ कर दिया तो वन से हाफ मोल हो गया ठीक है अच्छा कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा इट कंटेन्स थ्री पॉइंट वन टेन वाटर मॉलिक्यूल्स हाँ हाफ मोल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हाफ हो जाएंगे बिल्कुल ठीक है 6.02 का हाफ 3.01 बिल्कुल सही कह रहे हैं इट कंटेन्स 3.01 ऑक्सीजन एटम यस वन मोल ऑफ वाटर में वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है तो वो भी हाफ मोल हो जाएगा हाफ नंबर हो जाएंगे बिल्कुल ठीक है चार्ली में कहते इट कंटेन सिक्स हाइड्रोजन एटम्स जी हम जानते हैं वन मोल ऑफ वाटर में एटीन ग्राम वाटर में हमारे पास दो मोल हाइड्रोजन एटम के होते हैं ये हाइड्रोजन एटम की बात करें अब आपने उसके हाफ मोल कर दिए हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू एन से वन एन हो जाएंगे बिल्कुल सही कह रहा है तो सिक्स पॉइंट सही है डाटा में कहता है इट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आइटम्स अगर मेरी बात सुने कितने नंबर ऑफ होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स वन मोल में एटीन ग्राम में थ्री एन हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का अच्छा जब आपने उसको हाफ किया है तो थ्री को भी हाफ कर 1.5 एन ए आ जाएगा ना ये पावर ट्वेंटी पावर ट्वेंटी थ्री तो ये गलत कह रहे हैं सो दिस इज रॉन्ग नाइन पॉइंट जीरो पावर ट्वेंटी थ्री इज माई आंसर सो डेल्टा इज रॉन्ग ऑप्शन आप देखें कि आपने एम कैट में ऐसे क्वेश्चन को इन सेकंड्स कैसे सॉल्व करना है

माई डियर स्टूडेंट्स बीटा इज माई आंसर वेरी सिंपल यू कैन कैलकुलेट दैट और ये मैथडोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ठीक है बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशन क्या देखते हैं यूज ऑफ द प्रेशर कुकर ऑफकोर्स आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर आप उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन हाँ यहाँ पे आप

चार्ली जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा डेंसिटी उतनी कम होगी ये भी गलत कह रहे और डेल्टा टेम्परेचर ज्यादा होने से वॉल्यूम ज्यादा होता है सो माय डियर स्टूडेंट्स जो करेक्ट रिलेशन है वो है, बाकी तीनों रिलेशन गलत है इज माय आंसर क्वेश्चन नंबर एटी फाइव है स्टेटमेंट है ग्राम आयरन इज ट्रीटेड विद स्टीम एट सेल्सियस प्रोसेस ठीक है अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन इज

कि बताओ कितने ग्राम हाइड्रोजन बनेगी सी दैट मैंने सबसे पहले मोलर मोलोशन लिखी आयरन की और हाइड्रोजन की आयरन और हाइड्रोजन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोल्स मोल्स हो तो इसके बनते हैं जी उसने उसने मुझे मास दी है उसने मुझे मास दिया 112 ग्राम अब मैं जानता हूं कि एक मोल आयरन एलिमेंट ऑफ तो 56 ग्राम होता है तो अगर उसके दो मोल्स होंगे तो कितना होगा 112 ये जो मैंने 2 लिखा है उसके गिवन मास से लिखा है

Which was the first test of the MBK chemistry. I hope की इसकी डिस्कशन से आपने अपने कॉन्सेप्ट की रिवीजन और करेक्शन की होगी इनशाला नेक्स्ट टेस्ट मुलाकात होती है तब तक अल्लाह हाफिज